प्रदेश में कांग्रेस का बूथ चलो अभियान जोरों पर है। इसी के तहत बेमेतरा विधायक प्रभारी व नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कुमार डहरिया बेमेतरा पहुंचे। बूथ स्तर के प्रभारी व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीला स्वागत किया। वहीं विधानसभा क्षेत्र के सिंघोरी वार्ड रांका काठिया और ग्राम भोईना भाटा में मंत्री डहरिया ने बूथ प्रभारी एवं पदाधिकारी का समीक्षा बैठक ली और प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हुए कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। कार्यकर्ता बैठक में बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला साहू व वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। हमारी पार्टी द्वारा बूथ चलो अभियान चलाया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज बेमेतरा में बूथ चलो अभियान का आगाज किया गया था। आज हमारे यहाँ 24 बूथ हैं, उसमें इंदौर यहाँ पर 4 बूथ के और कुछ अन्य बूथ के लोगों से चर्चा की गई है। और निश्चित रूप से सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न योजनाएं सरकार की चल रही है, उसका लाभ आज हम लोगों ने भौतिक स्तर पर पता किया, तो ये योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिल रहा है। निश्चित रूप से एक अच्छी महत्वाकांक्षी योजनाएं सरकार ने चलाई है और जो हम लोगों ने कहा था वो सारे काम किए हैं, तो उसका लाभ सरकार को मिलेगा और आने वाले समय में 2023 में हमारी पार्टी की सरकार बनेगी और 2024 में केंद्र में भी हमारी सरकार बनेगी। हमारे माननीय विधायक जी ने मांग की थी तालाब का सौंदर्यीकरण का, यहाँ एक चौपाटी निर्माण की मांग की थी, सामुदायिक भवन की मांग की थी, एक हमारे क्रिश्चियन समाज के लिए मुक्ति धाम की मांग की थी, चर्चित नहीं मुक्ति धाम की मांग की थी। तो इन सब के लिए मैंने 2 करोड़ रुपया की घोषणा की है और यहाँ के सीएमओ को निर्देश दिया है जल्दी प्रस्ताव भेजे ताकि काम जल्दी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।